हाय मैं डॉक्टर नगेंद्र तालोर शिकर में कार्डियोलॉजिस्ट हूँ आज अपन ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर किसी को उसके बारे में पता होना चाहिए कई बार अपन देखते हैं कि जैसे अपन घर पे बैठे हैं अपने किसी रिलेटिव को या अपने आस पड़ोस में किसी को अचानक हार्ट अटैक हो जाता है पेशेंट कार्डिक अरेस्ट में चला जाता है या फिर जैसे बाहर अपन कहीं देखें कि कई बार लोग जैसे रेस्टोरेंट में हैं मॉल में हैं या कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं सुबह रनिंग के लिए गए हैं और अचानक से उनको चेस्ट पेन होता है और चेस्ट पेन के साथ साथ में फिर वो नीचे गिर जाते हैं कोलेप्स हो जाते हैं तो उस कंडीशन में अपन उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं कैसे उस इंसान की अपन जान बचा सकते हैं तो जब भी अपन ऐसा पेशेंट देखते हैं अपन तो अपन उसके पास जाते हैं और अपन जाके देखते हैं कि पेशेंट नीचे जमीन पे लेटा हुआ है और अपन जब उससे बात करते हैं तो अपने से बात कर रहा है मतलब पेशेंट होश में है कॉन्शियस है और लेकिन वो पेशेंट को क्या बहुत पेन हो रहा है घबराहट है उसको पसीना आ रहा है बहुत ड्रा वसा है तो इसका मतलब उसको हार्ट अटैक हुआ है तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं उसको अपने को रिलैक्स करना है पेशेंट को बताना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है आपने इमरजेंसी में या अ, मेडिकल फैसिलिटी के लिए कॉल कर दिया है वो अभी आने वाले हैं और जब तक के लिए आप अपने पास जो लोडिंग डोज किट हो जिस पर अपन ने पहले भी वीडियो देखा है यदि जो लोडिंग डोज किट है तो उसमें से अपन वो टेबलेट निकालें जिसमें एस्पिन क्लोपिडोग्रिल और एटारो एस्टेटियम रहती हैं वो तीनों टेबलेट उस इंसान को अपन दे दें उससे क्या होगा उसकी जो हार्ट अटैक की सीवियरिटी है वो कम हो जाएगी उसको पेन कम हो जाएगा पेशेंट को थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा तो ये एक कंडीशन हो गया लेकिन जैसे ही अपन ने देखा कि पेशेंट के अपन पास में गए पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा उसमें कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा वो उसकी पल्स नहीं चल रही है सांस नहीं चल रही है इसका मतलब पेशेंट अब जो कंडीशन है उसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं पेशेंट कॉन्शियस नहीं है वो कार्डियक अरेस्ट में है कार्डियक अरेस्ट को ही अपन क्लिनिकल डेथ बोलते हैं क्योंकि इस कंडीशन में पेशेंट दिखता एक डेथ uh, पेशेंट की तरह मरे हुए पेशेंट की तरह ही अपने को दिखता है लेकिन यदि अपन उसको ट्रीटमेंट दें तो वो रिवाइव हो जाता है उसके रिवाइव होने के चांस रहते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है आप अपने आसपास जो भी दिखाई दें उनको आवाज़ दें उनको हेल्प के लिए बुलाएँ और आप इमरजेंसी में या 108 में कॉल कर दें ताकि वो जल्दी से जल्दी आ सकें अब पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में है उसको अपन यदि ट्रीटमेंट नहीं देते हैं और अपन फ़ोन करने में लगे हुए हैं इधर उधर हेल्प के लिए बुला रहे हैं अपन कर नहीं पा रहे हैं तो यदि जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा चार से छः मिनट तक का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि छः मिनट के बाद में पेशेंट का ब्रेन है जो परमानेंटली डेथ हो जाता है उसके बाद में उसमें सुधार होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं इसलिए यदि चार से छः मिनट का टाइम निकल जाता है तो पेशेंट कन्वर्ट हो जाता है क्लिनिकल डेथ से बायोलॉजिकल डेथ में और बायोलॉजिकल डेथ एक इरिवर्सिबल है उसमें होता क्या है कि शरीर के जो भी ऑर्गन है अपने हार्ट है किडनी है ब्रेन है वो परमानेंट काम करने बंद कर देते हैं तो पेशेंट यदि एक बार बायोलॉजिकल डेथ में चला गया तो वो रिवाइव होने के चांस बहुत ही बहुत ही कम हो जाएंगे उसके तो इसलिए अपने को जल्दी से जल्दी इंटरवीन करना है उस पेशेंट को ताकि उसकी जान को अपन बचा सकें उसके लिए क्या कर सकते हैं जो टेक्निक एक रहती है या जो ट्रीटमेंट अपन कर सकते हैं उसी का नाम है सी पी आर यानी कार्डियो पलमरी रिसन और एक होता है कोसी पी आर कंप्रेशन ओनली सी पी आर तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है जो सी पी आर रहता है वो जो भी लोग ट्रेंड रहते हैं मेडिकल फील्ड से हैं डॉक्टर हैं नर्स हैं या कोई हेल्थ वर्कर हैं या जिन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है जिन्होंने कोर्स कर रखा है जैसे सिक्योरिटी गार्ड हैं कोई भी हैं जो यदि जिसने उसमें ट्रेनिंग लिया है वो लोग सीपीआर कर सकते हैं सीपीआर में क्या आपको चेस्ट कंप्रेशन करना है और साथ के साथ आप रेस्क्यू ब्रेथिंग भी देते हैं तो उसको अपन सी बोलते हैं दूसरा रहता है को सी एंड कंप्रेशन ओनली सी और हैंड्स ओनली सी जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपने को कंप्रेशन करना है उसमें अपने को ब्रेथिंग नहीं देना है वो वाला उसमें आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए वो कोई भी आदमी कर सकता है बच्चा हो बड़ा हो मेल फीमेल कोई भी लोग उसको कर सकते हैं उसके लिए आपको कुछ नहीं करना सिर्फ और सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन करना रहता है तो चलो अपन जानते हैं कि सी कैसे करते हैं जो सी प्रोसीजर क्या होती है उसके बारे में जानते हैं सी करने के लिए सबसे पहले अपन पेशेंट को एक हार्ड सरफेस पे लिटा देते हैं ताकि अपन जो भी कंप्रेशन करें वो अच्छे से अपन कर पाएँ वो अपना जो पूरा फोर्स है वो उसमें ट्रांसमिट हो सके दूसरा चीज़ ये है कि अपने को देखना कि सराउंडिंग अपना पूरा क्लियर होना चाहिए वहाँ पे सेफ होना चाहिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि अपन सी कर रहे हैं और कोई दूसरी वहाँ पर अपने को नुकसान हो जाए इसलिए अपना सराउंडिंग सेफ रखना है उसके बाद में पेशेंट को हार्ट सरफेस पे लिटा दिया अब अपने को ये देखना है कि पेशेंट में कोई एक्टिविटी है या नहीं या फिर कोई रेस्पॉन्स है या नहीं उसके लिए अपन को क्या करना है पेशेंट को अपन साथ में हाथ से उसके कंधे पे या छाती पे मार सकते हैं और बोलेंगे तुम ठीक हो तुम ठीक हो तुम ठीक हो अपन दो तीन बार उसको पूछते हैं कोई रेस्पॉन्स आ रहा है नहीं आ रहा यदि कोई रेस्पॉन्स नहीं दे दे रहा है अपन देखते हैं कि उसका रेस्पिरेशन चल रहा है या नहीं यानी उसके चेस्ट में कोई मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही या फिर अपना गाल अपन उसके नाक के पास ले जाएंगे और अपन वहाँ पे सुन सकते हैं कि उसकी सांस चल रही है या नहीं या फिर अपनी गाल पे फील कर सकते हैं कोई हवा आ रही है या नहीं और चेस्ट में कोई मूवमेंट हो रहा है या नहीं ये तीनों चीज़ अपन उसे दे सकते हैं यदि ये भी नहीं है पल्स फील करके अपन देख सकते हैं उसके लिए कैरोटिड फील करते हैं कैरोटिड फील करने के लिए अपना जो ये बोन है जिसको एडम से बोलते हैं इस बोन में अपन अपना दो फिंगर रखते हैं उसके बाद में अपन लेटल साइड में जाएंगे लेटर में अपना मसल आ जाता है मसल से पहले ही अपने को यहाँ पे फील हो जाती है अपन ज़्यादा से ज़्यादा टेन सेकेंड टेन सेकेंड से ज़्यादा टाइम अपने को नहीं देना है यदि फील होती है तो ठीक है नहीं हो रही तो भी कोई बात अब यदि ये कोई भी साइन नहीं है इसका मतलब पेशेंट काटे अरेस्ट में है और उसको एकदम से एमरजेंसी ट्रीटमेंट है क्योंकि यदि अपन जितना जल्दी ट्रीटमेंट करेंगे उतना ही जल्दी वो रिवाइव होगा अब सी करने के लिए अपन पेशेंट के पास घुटने के बल बैठ जाते हैं और अपना एक जो डोमिनेंट हैंड है उसका जो पाम है उसको अपन पेशेंट की सेंटर ऑफ चेस्ट में निपल लाइन में रख देंगे उसके बाद में जो दूसरा हाथ है वो उसके ऊपर रखेंगे दोनों को इंटरलॉक कर लेंगे और अपनी जो कौनियाँ हैं उनको एकदम सीधा रखना है स्ट्रेट रखना है अब अपन थोड़ा आगे की तरफ पेशेंट के ऊपर झुक जाएंगे ताकि अपना बॉडी वेट पेशेंट पे आ जाए और अब अपने को कंप्रेशन चालू करना है कंप्रेशन चालू करते टाइम दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है अपने को एक तो इतना फास्ट करना है कि एक मिनट में अपन कम से कम सौ से एक सौ बीस टाइम अपन कर सकें दूसरा करते टाइम इतना डीप करना है कि कम से कम पाँच सेंटीमीटर या दो इंच तक अपन डीप जा सकें और तीसरा उसको कम्प्लीट रिकॉइल भी करना है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे अपन कंप्रेशन चालू करते हैं इसको एल्बो अपने को हमेशा स्ट्रेट रखना वन टू थ्री फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इस तरह अपने को थर्टी कंप्रेशन करने हैं थर्टी कंप्रेशन करने हैं और उसके बाद में यदि अपन ने ट्रेनिंग ली रही है अपन एक्सपर्ट हैं कर सकते हैं तो दो उसको रेस्क्यू ब्रेथिंग देंगे रेस्क्यू ब्रेथिंग देने के लिए उसका जो हेड है उसको टिल्ट करना है चिन को लिफ्ट करना हेड है। को टिल्ट करना है चिन लिफ्ट करना है उससे उसका एयरवे स्ट्रेट हो जाएगा उसके बाद में नाक को बंद कर लेना है और अपना मुंह से उसका मुंह सील करके उसमें हवा देना है तो इस तरह अपन ब्रीथिंग दे सकते हैं लेकिन अपन ब्रेथिंग देने में कंफर्टेबल नहीं है या फिर अपने कभी करा नहीं है देखा नहीं है कोई ज़रूरी नहीं है उसको करना अपना कंप्रेशन ओनली कर सकते हैं कंप्रेशन भी बहुत इफेक्टिव है यही अपने को करते रहना है अब ये कंप्रेशन करते टाइम एक बात ध्यान रखना है कि अपने को कभी भी जैसे अपनी कोनिया फोल्ड है और अपन हाथ में से कर रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जबकि बॉडी मूवमेंट कुछ हो नहीं रहा है ऐसे नहीं करना इसके दो नुकसान है एक तो अपन व्यक्ति को कंप्रेशन नहीं कर पाएंगे और दूसरा अपन जल्दी थक जाएंगे अपने हाथ दर्द करने लग जाएंगे तो अपन लंबे टाइम तक नहीं कर पाएंगे सी में थर्टी कंप्रेशन और टू जो रेस्क्यू ब्रेटिंग रहती है उनको मिला के एक साइकिल होता है तो ऐसे अपने को पाँच साइकिल कम्प्लीट करना रहता है और पाँच साइकिल में लगभग दो मिनट का टाइम लगता है तो सी करते टाइम अपने को मिनिमम इंटरेप्शन रखना है अपने को बीच बीच में रोकना नहीं है ये नहीं देखना कि पेशेंट में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं अपने को कंटिन्यू सी करना है एक बार सी पी आर अपन ने इस्टार्ट कर दिया तो क्वेश्चन ये आता है कि अब अपने को स्टॉप कब करना है तो सी अपने को जब तक कंटिन्यू करना है जब तक यदि या तो पेशेंट रिवाइव नहीं हो जाए वो अपनी आँखें खोलने लग जाए अपने हाथ पाँव हिलाने लग जाए यानी कि पेशेंट अब रिवाइव हो गया है तो अपने को सी रोक देना है दूसरा अपने जिस भी मेडिकल या इमरजेंसी टीम को कॉल किया था वो टीम आ चुकी है और उसने अपना पूरा टेक ओवर ले लिया है और अपने उसको हैंड ओवर कर दिया है तो अब अपने को छोड़ देना है तीसरा यदि अपने को आसपास में कोई गया हुआ हो और जो ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डी फिव्रीलेटर जो ले आता है तो उस डी फिव्रीलेटर को अपन कनेक्ट करते हैं और उसके कमांड अपन फॉलो करते रहते हैं तो यदि कोई शोक एबल रिदम हो तो वो इससे अपन शोक दे सकते हैं पेशेंट को और शोक देके रिवाइव कर सकते हैं तो यदि तीनों कंडीशन होती हैं तो फिर अपने अपन अपन रोक सकते हैं तो जब भी ऐसा पेशेंट देखें जो अपनी आंखों के सामने देखते देखते कोल हुआ है तो आप उसके पास जाएं और उसको जरूर सी दें क्योंकि स्टडी में ऐसा पाया गया है कि जो अपन सी करते हैं वहां पे जो बाई स्टैंडर्ड रहते हैं यानी जो पेशेंट कोलैप्स हुआ उसके पास में ही कोई है और यदि वो तुरंत जो सी चालू कर देता है तो उस पेशेंट के रिवाइव होने के डबल और ट्रिपल टाइम्स चांस बढ़ जाते हैं बजाय उनके कि अपन वेट करें वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी आएगी और वो कुछ करेगी इसलिए जो भी पेशेंट कोलेप्स होते हैं उनमें दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं एक होता है रेस्पॉन्ड टाइम और दूसरा रहता है बाई स्टैंडर्ड सी इसलिए जो रेस्पॉन्ड टाइम अपना जितना कम होएगा जैसे ही यानी कि जैसे ही पेशेंट कोलेप्स हुआ और फटाफट -पत अपने सी चालू कर दिया तो उस पेशेंट के रिवाइव होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं बजाय कि अपन वेट कर रहे हैं चार मिनट निकाल दिए छः मिनट निकाल दिए आठ मिनट निकाल दिए और दस मिनट निकाल दिए तो जितना ज़्यादा टाइम निकलता जाएगा उतना ही पेशेंट के रिवाइव के चांस कम होते जाएंगे प्यार का उसका मैकेनिज्म क्या है क्यों अपन कोई करना है तो अपन देखते हैं कि नॉर्मल आदमी में जैसे हार्ट कॉन्टेक्ट करता है तो शरीर में वो ब्लड फेंकता है तो शरीर के सारे ऑर्गन में ब्लड जाएगा लेकिन जैसे वो रिलैक्स होता है हार्ट में ब्लड आ जाता है फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स होएगा तो जैसे ही वो कॉन्टैक्ट करता है शरीर में ब्लड जाएगा जैसे वो रिलैक्स करता है हार्ट में ब्लड आ जाता है तो वही मैकेनिज्म अपन क्या करते हैं सीपीआर से करते हैं अपन जैसे ही चेस्ट को कंप्रेस करेंगे कंप्रेस करेंगे तो हार्ट से ब्लड बाहर की तरफ जाएगा और जैसे ही अपन उसको रिकॉइल होने के लिए टाइम देंगे वैसे हार्ट में ब्लड आएगा तो जो काम हार्ट करता है वो काम अपन बाहर सी के थ्रू करते रहते हैं तो इसलिए सी बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे क्या शरीर के सारी ऑर्गन्स को ब्लड है ऑक्सीजन है वो मिलता रहेगा और जब तक अपनी डेफिनेट जो हेल्प आती है मेडिकल हेल्प आती है उस टाइम तक अपन शरीर के सारे ऑर्गन को अपन जिंदा रख सकते हैं अब दूसरा ये है कि लोगों में डर रहता है कि अपन सी कर रहे हैं पेशेंट को कहीं नुकसान हो जाए ऐसा तो नहीं है लेकिन इसमें क्या है कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि सी करने से आप पेशेंट के ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रिप्स है या फसलियाँ तोड़ सकते हैं लेकिन जो फसलियाँ रिप टूटती हैं वो रिपेयर हो जाती हैं लेकिन यदि एक बार पेशेंट ही एक्सपायर हो गया डेथ हो गया तो उसको अपन रिपेयर नहीं कर सकते इसलिए आप बिना डरे बिना झिझके और बिना घबराए हुए आप सी करें चाहे आप गलत करें लेकिन ज़रूर करें क्योंकि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग यदि कुछ भी करेंगे गलत भी करेंगे तेजी कर रहे हैं तो पेशेंट के लिए वो फ़ायदेमंद रहेगा कई कई बार अपन ये देखते हैं कि जो जैसे पेशेंट अरेस्ट में है तो उसको आ, लोग रहते हैं जो उनके हाथों की मसाज करते रहते हैं हाथों की मसाज करते हैं या पैरों की मसाज करते रहते हैं लेकिन वो चेस्ट कंप्रेशन नहीं करते हैं क्योंकि उसके बारे में उनको आइडिया नहीं रहता तो हाथ और पैर की मसाज करने से वो फायदा नहीं होगा जो अपन चेस्ट कंप्रेशन करेंगे क्योंकि चेस्ट कंप्रेशन करेंगे उससे हार्ट का ब्लड है वो शरीर के सारे ऑर्गन में जाएगा सारे ऑर्गन जिंदा रहेंगे लेकिन हाथ और पैर की मसाज करने से कोई ब्लड का मूवमेंट नहीं होएगा तो इसलिए आप बिना डरे आप सी करें और सी करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो पेशेंट यदि उस कार्डियक अरेस्ट में है उसके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है यदि उसका एक मिनट भी वेस्ट होता है उसके दस परसेंट चांस कम हो जाते हैं रिवाइव होने के लिए यदि अपन ऐसे ही फ़ोन करने में या इधर उधर कॉल करने में पाँच मिनट वेस्ट कर देते हैं तो पेशेंट के फिफ्टी चांस कम हो जाते हैं रिवाइव होने के अब यदि पेशेंट को दस मिनट निकल गए तो उसके चांस हैं वो बहुत ही कम हैं कि वो रिवाइव हो जाए चाहे कोई भी मेडिकल टीम आए कोई भी आ जाए उसके चांस बहुत कम हो जाते हैं तो इसलिए आप ज़रूर जरूर जब भी देखें फटाफट आप सी करें बिना टाइम कमाए हुए सी पी टेक्निक एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है इसमें आपको कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए कोई आपको इसमें एजुकेशन नहीं चाहिए आप कहीं भी कभी भी आप सीपीआर पी आर कर सकते ये वीडियो देखने के बाद में जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कोई पेशेंट है जो कार्डेक अरेस्ट में है तो आप बिना डरे उसको सीपीआर करें और उसकी जान बचाएं और ये वीडियो आप अपने आसपास दूसरे लोगों को भी बताएं ताकि वो लोग भी इसके बारे में जानें और किसी भी इंसान की जान बचाने में अपना योगदान दे सकें क्योंकि उस इंसान की जान उसके लिए और उसके फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है तो आप ज़रूर ये मैसेज सबको दें और किसी की जान बचाने में अपना योगदान दें धन्यवाद